और उस एक्सप्रेशन का हमें लिमिट फाइंड आउट करना है तो जब भी आपसे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पूछता है तो आप जो लिमिटिंग पॉइंट है उसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में पुटअप कीजिए तो साइन हाइपरबोलिक जीरो माइनस साइन जीरो का वैल्यू जीरो अपॉन जीरो

ये आपको मिस गाइड कर सकता है या एक अलग डिफरेंट लिमिट दे सकता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको करके नहीं देखा कि वो देगा या नहीं देगा आप एक बार ट्राई कीजिए मैं इसका कर रहा हूं क्योंकि जैसा मुझे माइंड में ट्राई किया है मैं डायरेक्ट वैसे ही कर रहा हूं तो इसका जो सॉल्यूशन है आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स है तो और हम एक आ, पॉइंट जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स इसका जो वैल्यू होता है वो होता है वन तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और इसमें अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन डिवाइडेड बाई मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर एक क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर आप ये समझ सकते हैं तो यहां से अब लिमिट एफ इंटू जी क्या होता है लिमिट एफ इंटू लिमिट जी इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये हो जाता है एक्स एक्स साइन का होल तो इसका वैल्यू तो तो वन को कर यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका मीनिंग है कि इसका लिमिट डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब अभी इसमें जो given expression था उसका मतलब हुआ कि इसका लिमिट इसके होगा अब इसमें आप अगर कि रखते हैं तो जिरो जिरो बन रहा है अब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए और अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें सेपरेटली सेपरेटली हमें उसको डिफरेंशिएट कराना होता है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ए रेस्ट टू दावर माइनस एक्स लेकिन जब माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू और ये होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन का Cos X by X और ये लिमिट चल रहा था हमारा एक्स तो है यहां पर आप इसमें पुट कीजिए जीरो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन यानि की वन माइनस वन डिवाइडेड बाय जीरो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है तो अगेन आप इसमें क्या करेंगे आप इसमें फिर से एल होपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो एल होपिटल रूल अप्लाई करने के लिए फिर से numerator और denominator को separately हमें डिफरेंट कराना होगा तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो और कोस हाइपरबोलिकता है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जिसको मैंने डबल टिक किया है साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस का डेरिवेटिव निगेटिव uh, और निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव टर्न कर देगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स अब अगर इसमें फिर से अगर हम इसमें रखते हैं तो ये क्या बनता है ये फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है और क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब ए की पावर बची है यानी कि लीनियर में आ गया है तो अब ये इसकी लास्ट स्टेज होगी हम एल होपिटल रूल अब वो इसके बाद नहीं लगा पाएंगे ये लास्ट बार ए, मतलब अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर यह भी पता है आपको एल होपिटल रूल मोर देन वन

हाइपरबोलिक जीरो का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा टू यानी आएगा वन प्लस वन तो यहाँ पर, one one one. तो यहाँ पर यह क्या आ जाता है टू बाई सिक्स यानी कि वन अपॉइन थ्री तो इसका जो लिमिट है लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज वन अपॉन थ्री तो देखने में लग रहा था कि ये बहुत ही हार्ड टाइप का लग रहा था एक्चुअली साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो हमें कम यूज में आता है और इसके कम यूज होने की वजह से ही इस एग्जामिनर ने इसको आ, मतलब ये दे देते हैं कि कोई अगर फंक्शन कम यूज में होता है तो बच्चों को वो याद नहीं रहता है और वो वहां पर अटक जाते हैं अगर आपको इसका ये आ, x के टर्म में इसका एक्सप्रेशन पता है जो ए रेस टू दावर एक्स माइनस हाइपरबोलिक एक्स का आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन भी तो इसी, इसी से निकालेंगे हम बस टू से आउटसाइड ही तो करना है तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब समाव आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में पता होना चाहिए